वेलकम टू ज्ञान स्टडी आई फ्रेंड्स, आज है 25 मार्च और 25 मार्च 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं उस सभी का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तथा हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को बतलाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन 24 मार्च बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 24 मार्च को ही विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है और यह रोग जीवाणु के कारण होता है और उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और बता दूं फ्रेंड्स, यह मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। विश्व क्षय रोग दिवस का थीम है इट्स टाइम टू एंड टीबी, यह टीबी खत्म करने का समय है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसे एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है? फ्रेंड्स, इसका ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फिशर्टेबर्ग बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ए और बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इस तरह से इसका सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बता दूं यह एबल पुरस्कार हर वर्ष गणित मैथमेटिक्स के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह बता दूं यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है। इसका स्थापना 3 मई 1857 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर ओस्लो में है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जो कि चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और बात आता है कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल है, मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर का नाम लालजी टंडन है और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 231 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एंड्रयू एलिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन न्यूजीलैंड बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर एंड्रयू एलिस ने तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। बड़ा बात आता है कि न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो कि वेलिंगटन है और यहाँ करेंसी जो कि न्यूजीलैंड डॉलर है और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम जेसिंडा आर्डर्न है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 की वजह से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा किया है? फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन नेटफ्लिक्स बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेटफ्लिक्स ने कोविड-19 की वजह से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा किया है। फ्रेंड्स, बता दूं यह फंड फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन पर काम करने वाले उन लोगों की मदद करने के लिए किया गया है जो वैश्विक कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रभावित है। अब बात आता है कि नेटफ्लिक्स की, तो इसका स्थापना जो कि 1997 में किया गया और इसका मुख्यालय जो कि कैलिफोर्निया में है। और नेटफ्लिक्स यह एक यूट्यूब की तरह ही वीडियो देखे जाने वाला एक ऐप है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किसने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा किया है? फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्रियंका चोपड़ा ने ही WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने की घोषणा किया है। फ्रेंड्स, बता दूं WHO के द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया है। और बात आता है कि WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना जो कि 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सत्यरूप सिद्धांत बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सत्यरूप सिद्धांत जो कि 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत के पर्वतरोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 1 महीना का अनाज मुफ्त देने की घोषणा किया है? फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित होने वाले दिहाड़ी मजदूर जो रोज रेगुलर काम करते हैं और को मुआवजा और 1 महीना का अनाज देने की घोषणा किया गया है। बराडू बात आता है कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की
यहाँ के सीएम का नाम जो कि योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ पे यहाँ का गवर्नर का नाम आनंदी बेन पटेल है। और लोकसभा सीटों की संख्या, यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 31 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 404 है, 404 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिको को न भेजने की घोषणा किया है। मिसप्रिंट हो गया है, एथलेटिक होगा, एथलेटिको को न भेजने की घोषणा किया है। फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन कनाडा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कनाडा ने फैसला किया है कि वे अपने एथलेटिक को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में नहीं भेजेंगे। बड़ा दुख, कनाडा जो कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ की और इसका राजधानी जो कि ओटावा है, और यहाँ करेंसी कैनेडियन डॉलर है, और यहाँ का पीएम का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केनी रोजर्स का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन गायक बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। केनी रोजर्स का संबंध जो कि गायक से था, और यह एक अमेरिकी सिंगर था। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिनों के लिए भारत के लॉकडाउन होने की घोषणा किया है। फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन 21 दिन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 24 तारीख के रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को 21 दिन तक लॉकडाउन करने की घोषणा किया है। आपको पहले फ्रेंड्स मालूम होगा कि अभी भारत बहुत ही बड़े संकट से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, और कोरोना वायरस के चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को 21 दिन तक लॉकडाउन करने की घोषणा किया गया है, जो कि 14 अप्रैल तक लागू रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से प्रभावित व्यापार के लिए COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऐप लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है। फ्रेंड्स यहाँ कोरोना होगा, तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च करने वाला यह पहला बैंक बना है। बात रहता है कि SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया, 1 जुलाई 1955 को किया गया है, और इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में है, और इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका अध्यक्ष का नाम रजनीश कुमार है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।